भारत के बाद अमेरिका ने भी चाइनीज वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है। जी हां, अमेरिका ने आखिरकार ये फैसला ले ही लिया है। अमेरिका रविवार को इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकता है। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों ने बताया कि पूरे अमेरिका में रविवार से टिकटॉक और वीचैट के ऑपरेशंस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अमेरिका में टिकटॉक के करीब 100 मिलियन यूजर्स हैं, यानी कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग अमेरिका में टिकटॉक पर अपना समय व्यतीत करते हैं। इससे पहले भारत में टिकटॉक को बैन किया गया था। अमेरिका में सिर्फ टिकटॉक ही नहीं, रिपोर्ट की माने तो टिकटॉक के अलावा अमेरिका में वीचैट भी डाउनलोड नहीं किया जा सकता। सीजीटीएन की रिपोर्ट के अनुसार बाइटडांस की ओर से अमेरिकी अधिकारियों के सामने एक प्लान पेश किया गया था। इस प्लान के मुताबिक अमेरिका में बनने वाले नए हेडक्वार्टर में टिकटॉक की बड़ी हिस्सेदारी बनी रहेगी। इसके अलावा टेक कंपनी ओरेकल को आंशिक हिस्सेदारी देने की भी संभावनाएं बताई जा रही थी, लेकिन इस मामले से वाकिफ सूत्रों का कहना है कि अब सौदेबाजी की प्रक्रिया चल ही रही थी, लेकिन अंतिम प्लान में बदलाव हुआ और अब लगता है कि समझौते पर सहमति नहीं बनी है। आखिरकार चाइनीज वीडियो ऐप टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया गया। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में हमें यह जरूर बताएं। और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,